अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। इलांटी, मैं अहमदाबाद जाना चाहता हूँ। अच्छा, भैरवी दीदी के लिए बालकिशन का आशीर्वाद लाने। अरे वाह, तो आप मुझे बताइए ना, मैं कैसे जाऊँ? तू ट्रेन से चला जा। बाय बाय सनशाइन कॉलोनी। मेरे पास एक सुपर आइडिया है, उसके लिए लेकिन अहमदाबाद जाना पड़ेगा। अरे तो आप एक काम कीजिए ना, हेमंत के साथ चले जाइए ना अहमदाबाद। हेमंत के साथ? वो अभी अभी तो गया है बालकृष्ण से मिलने अहमदाबाद। क्या? भैया ये कैसा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर तो एक भी पैसेंजर दिखाई नहीं दे रहा है। वसंत, ये ट्रेन तो हैदराबाद जाती है, देखिए। नहीं नहीं मम्मी, ये ट्रेन तो पुणे जाती है, देखिए। ये अहमदाबाद जाती है, एक ही ट्रेन तीन तीन जगह, लॉजिकली तो। अरे क्या लॉजिक शरद, अरे इंसानी ट्रेन है, ऐसे वो वाया वाया जाती होगी। पहले वो पुणे जाती होगी, फिर लेफ्ट लेके हैदराबाद जाती होगी, फिर यू टर्न मार के ऐसे अहमदाबाद आती होगी। इसमें इतना सोचने का क्या है, तुम चुप वहां बैठो जा। कहां गया हेमंत? भाई साहब, ये ट्रेन कब छूटेगी? ये ट्रेन कब छूटेगी? मैडम यहां पर शूटिंग होती है, फिल्म की शूटिंग। हम पूछ क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हो? शूटिंग हो कुछ भी हो, हमें उसे क्या लेना देना। हम पूछ रहे हैं कि ये ट्रेन कब छूटेगी, सीधी सादी हिंदी में पूछ रहे हैं, आप सीधा जवाब नहीं दे सकते। आप लोग कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? अब इनको नाम बता। मैं वसंत घोटाला, ये वर्षा घोटाला मेरी बीवी, ये लॉजिकल मेरा भाई शरद घोटाला, वो शिशिर घोटाला। होगी तसल्ली? अब क्या प्लीज बता सकते हैं कि ये ट्रेन कब छूटेगी? अरे एक तो खुद है नमूना पागल और मुझ पे चिल्ला रहा है। रुक अभी दिखाता हूं। हाँ 15 मिनट में, अभी 15 मिनट में ये ट्रेन छूटेगी, आप चढ़ जाइए। और हाँ, वो वहां वहां टिकट विंडो है, टिकट लेना मत भूलना। देखा, इसे डांट के बात करो ना तो सीधे सीधे जवाब देते ये इंसान। अच्छा वर्षा, शरद तुम हेमंत को आवाज लगाओ, शिशिर अपनी सुपर पावर से इधर उधर देखो। मैं समझ गया पापा। एक मिनट, अभी नहीं, यहाँ पर किसी टीसी या किसी पैसेंजर ने देख लिया ना तो नई मुसीबत खड़ी होगी। भैया यहाँ तो टीसी या पैसेंजर कोई भी दिखाई नहीं देता है, लॉजिकली मुझे तो लगता है लॉजिकल। अभी तू लॉजिकली बोलेगा ना तुझे। एक मिनट वसंत, शरद एक मिनट, आप एक काम कीजिए, टिकट बुकिंग ऑफिस जाइए और वहां पूछताछ कीजिए, शायद हेमंत वहां गया हो। ठीक है, आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। ये लोग तो मुझे आवाज दे रहे हैं, मतलब ये लोग तो मुझे 100% जाने ही नहीं देंगे अहमदाबाद। मैं जवाब ही नहीं दूंगा और मैं शिशिर को भी नहीं दिखूंगा। अगर हेमंत यहां आया है तो टिकट काउंटर पर टिकट खरीदने जरूर जाएगा। ओ भाई साहब, अरे टिकट, ओ सर सॉरी, यहाँ टिकट काउंटर पर कोई नहीं है। आप क्योंकि शूटिंग कल है ना। अरे शूट, मैं शूटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ टिकट देने के लिए कौन बैठता है? वो तो रोज अलग अलग बैठते हैं। रोज अलग अलग बैठते मतलब? हाँ, जिसका शूटिंग होता है उसका उसके हिसाब से बैठते हैं। अरे आप समझ नहीं रहे हो, मैं सीधी साधी हिंदी में बोल रहा हूँ, आप वापस शूटिंग शूटिंग कर रहे हो।
असल जिंदगी में सचमुच के यात्री को असली वाला टिकट देने यहाँ कौन बैठता है, कौन बेचता है टिकट? भैया हाँ भैया, ये रेलवे स्टेशन नकली है। अरे होगा सोचिए, ये रेलवे स्टेशन नकली है? हाँ, ये रेलवे स्टेशन डमी है, ये ट्रेन भी डमी है। शरद हाँ, हेमंत यहाँ है कि नहीं ये पता करने का मेरे पास एक सुपर प्लान है, सुन। भगवान बालकिशन, जल्दी से ट्रेन शुरू करवा दो ना, इससे पहले कि ये लोग मुझे रोके। हेमंत हेमंत देख हेमंत, मुझे डाउट है कि मैं तेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूं ना, तू 100% जवाब नहीं देगा। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे इतना तो बता दे कि तू यहीं पे है और जवाब नहीं देगा, ताकि मुझे पता तो चले कि तू कहां पे है और मुझे जवाब नहीं देगा। हूँ, मैं यहीं पे हूँ, लेकिन आपको जवाब नहीं दूंगा। भैया वो यही है, वो यही कही है। तुमने हेमंत यही कही है? पापा, अंदर एक डिब्बे पर मुंबई अहमदाबाद मुंबई ऐसे लिखा है, वो वही होंगे। लॉजिक में फिर वोट नहीं तो पक्का लॉजिक। चलिए चलो चलो चलो। डिब्बा क्या चेक करते हैं? अंकल क्या है? अंकल क्या है? अंकल इस ट्रेन का शायद पेट्रोल खत्म हो गया है, आप जरा पीछे जाके इस ट्रेन को धक्का मारिए ना, तो हम पेट्रोल पंप जाएंगे और इस ट्रेन में पेट्रोल भरवाएंगे। बेटा तुम्हारा नाम घोटाला है? हाँ, हेमंत घोटाला, मैं तो फेमस हो गया, मैं तो मूंग की दाल हो गया, नहीं नहीं मैं तो मसूर हो गया। बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? अहमदाबाद। अहमदाबाद जाना है? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक काम करो, तुम यहाँ से सीधे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहां से ट्रेन अहमदाबाद जाएगी। बाय बाय। भाई साहब, अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन, अरे अहमदाबाद जाने के लिए ये ट्रेन नहीं जाती, नहीं जाती, कितनी बार बताओ। अरे ये नकली ट्रेन है शूटिंग के लिए। अरे अभी अभी वो लंबा नमूना यहाँ वही पूछ रहा था मुझे। लंबा नमूना मतलब जो ही करता है वो? हाँ हाँ वही वही। वो भाई साहब, वो लंबा नमूना हमारा नमूना है। हमारा बेटा है। कहाँ गया वो? वो अभी अभी है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन अहमदाबाद जाने के लिए। बाबा ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हेमंत खो गया, वरना ये सिटी भाई बोलेंगे कि होता क्या रहता है तुम्हारी कॉलोनी में। हाँ हाँ केम छो? मजा मा, जय श्री कृष्ण। मजा मा, सत श्री अकाल। हेलो,
आप लोग यहाँ क्या मेरा हालचाल पूछने आए हो? नहीं, मैं तो कड़ी पत्ता खरीदने निकली थी। तो कड़ी पत्ता खरीदने आप लोग पुलिस स्टेशन जाते? ना भाई ना आवे, वो तो हम रास्ते में जाते हुए खरीद लेंगे उपमा बनाने के लिए। हाँ, उपमा चढ़ाना है भगवान को प्रसाद के तौर पे। प्रसाद में उपमा? हाँ, मेरे प्यारे भाई हेमंत ने कहा है कि भगवान भी मीठा खा खा के कितना बोर हो जाते होंगे, तो कुछ नमकीन चढ़ाना चाहिए ना। हाँ, और वो छोटी भाई, वो लंबा घोटाला, वो गलती से खो गया है, तो आप प्लीज जरा उसे ढूंढ दीजिए ना प्लीज। अब आई बात समझ में। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, इस पुलिस स्टेशन की ईयरली मेंबरशिप क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी महीने में दो बार तो आना होता ही है आपका। देखिए, आज मेंबरशिप लोगे ना तो अच्छी डील भी दिला दूंगा। वेरी गुड, लाइए फॉर्म दीजिए, मैं भर देता हूँ। लाइए बाबा, वो ताना मार रहे हमें। ये हेमंत कितनी बार खो जाता है भाई, इतनी बार तो किसी टीवी का रिमोट कंट्रोल भी नहीं खोता। सही बात है, लेकिन अभी वो खो गया है तो प्लीज उसे ढूंढ दीजिए कुछ भी करके, प्लीज। ओहो भद्रेश भट्ट, तुम्हें इतनी फिक्र है हेमंत की? ना भाई ना, उसको ढूंढने की परेशानी में घर में इतनी किचकिच होती है कि दो मिनट शांति से सोने पे नहीं मिलता। काबा ना बाबा, चुप रहे। स्वीटी भाई, ये मेरे हेमंत की फोटो। अरे भैरवी भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी आपके कॉलोनी के हर मेंबर की दो दो फोटो है मेरे पास ऑलरेडी। वैसे माता जी, आपकी भी दो फोटो पड़ी है मेरे पास, भैरवी ने ही दी थी। अच्छा चलिए, कंप्लेंट लिखवाइए। हाँ, पूरा मुंबई सेंट्रल स्टेशन ढूंढ लिया, फिर भी हेमंत का कुछ पता नहीं चला। इतना जिद्दी और बेवकूफ है हेमंत। वो तो होगा ही ना, बिल्कुल सासू माँ पे गया। ढूंढी ना बस। क्या ढूंढी है ना? बिल्कुल नहीं है, अभी अभी तो जान छूटी है सासू माँ से। अरे वो हेमंत की बात कर रही है। बच्चन जी, मैं इला बोल रही हूँ। लो, अब इसने अमिताभ बच्चन जी को फोन मारा। अरे वही फोन इसका सर पे मारो मैन। आपकी रेलवे मिनिस्ट्री में कोई पहचान है? आप के खड़े खड़े मुंह बना रहे हैं, श्याम सुंदर को फोन लगाइए ना, उसकी जान पहचान है रेलवे में। ओ इला, बकवास करना बंद करो, थारा फोन दो। मारे फोन में बैलेंस कम है तो? मेरा फोन नकली है मुरली भाई। तो चढ़ो बाजे गणो। अरे लेकिन मेरे बेटे का खो जा रहा तो असली है ना, कुछ कीजिए ना आप लोग प्लीज। वर्षा, खो नहीं गया वो? वो हाँ, इधर उधर कहीं भटक गया होगा। अच्छा, मतलब भटकना खो जाने के मुकाबले बेहतर है। हाँ, मारा भांजा भी ऐसे ही गलत ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन फिर मारी बहन को मिल गया था वो। 9 साल बाद। 9 साल? ये अंकल ओझा, ये क्या तुम ऐसा फालतू का ऐसा वो रानी भैया। अच्छा झालर। अरे एक मिनट मैन, तुम रहने दो घोटाला। द डियर फ्लू को हिंदी में क्या बोलता है? उड़ा हिरन उड़ा। हाँ, ये बेचारे को क्या ऐसा फालतू उड़ा हिरन दे रहा है? लो उदाहरण का उड़ा हिरन किया इस झालर ने। तुम समझा ना? वसंत मेरा बच्चा। हौसला रखो वर्षा, हौसला रखो। कैसे रखूं? वो मुझे नहीं पता, आ जाएगा हेमंत। हाँ हाँ, मैं एक दो दिन में वापस आ जाऊंगा। देखा, खुद बोल रहा है पीछे से। अरे हेमंत, आप प्लीज रोइए मत। अरे रुक, हेमंत कहाँ था तू? ट्रेन में, वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहने हुए एक अंकल ने मुझसे पूछा टिकट है, टिकट है। टीसी मिला था इसे। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, घर पर है। तो उन्होंने मुझे ट्रेन से उतार दिया और वापस घर पे भेज दिया। घर पे टिकट? हाँ, ये देखिए टिकट, ढेर सारी टिकट। ये टिकट है? ये टिकट है? अरे ये टीकप है बेटा, टीकप। वो टिकट
सकती है। अरे आप क्या इसे समझाने बैठ गए, चलिए ना, पत्थर वाले भगवान को थैंक यू कहते हैं। हाँ। कौन सी ट्रेन बताया माता जी? कर्णावती। हाँ कर्णावती, कर्णावती। वार्निंग दे रहा हूं माता जी, अगर अब की बार हेमंत कॉलोनी के आसपास से ही कहीं मिला ना, तो अगली बार किसी के गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखाने मत आना, वरना डायरेक्ट अंदर कर दूंगा, वो भी बिना वारंट के। आगे कहां गायब हो गए सबके सब? अबे पागल बना दिया है इन्होंने मुझे। पांडव चाय पिला। बालकिशन, बालकिशन, बेचारे हेमंत भैया तो हंसन पर उतर आए दादी की मम्मी के लिए कृष्ण भगवान के आशीर्वाद लेके आएंगे वो। और ऐसे ही टाइम पे अक्षय कुमार आउट ऑफ इंडिया चला गया। बोलो, वो यहाँ होता तो क्या मैं उसको बोलती, ओ माय गॉड का गेटअप ले, कृष्ण भगवान बन और हेमंत की इच्छा पूरी कर। इला तू अक्षय कुमार को जानती है? हाँ तो ताइकोंडो और कराटे मैं ही तो सिखाती थी उसको। भावना काकी, ये दशा अवतार कंपटीशन के कॉस्ट्यूम। बाद में, वो सब बाद में, पहले ना मानो वो हमारी कॉलोनी के पीछे बड़ा सा कुआं है ना, उसमें सिलाड़ी को डाल के आजा। क्या भावना काकी, तूने पान वो पीछे वाला कुआं तो कब का बंद है बा? और फिर इला आंटी का आइडिया अच्छा है दादी। क्या अक्षय कुमार को कृष्ण भगवान बना के लेके आए? अक्षय कुमार विदेश में, बोला था इला मासी ने। चकुरी एक काम कर, अंदर जा और इला मासी के फोन से अक्षय कुमार को फोन लगाने की कोशिश कर। बराबर। दादी हम किसी और को कृष्ण भगवान का रूप देके हेमंत भैया के सामने खड़ा कर देते हैं। हेमंत भैया तो बोले हाँ, ये जबरदस्त आइडिया है भावना भाभी। लेकिन कृष्ण भगवान बनाएंगे किसे? मैं बाबा को बोलूं? हाँ, उसका रंग भी सांवला है तो। नहीं नहीं नहीं, भद्रेश भैया ने। क्यों? भद्रेश भैया बोलेंगे मेकअप करना पड़ेगा, बांसुरी बजानी पड़ेगी, मानव तो ही बन जाना, सेम मजा आएगा। अरे हेमंत नीचे आ जा। नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे भैरवी दीदी के लिए बालकिशन का आशीर्वाद लाना है। हेमंत, बालकिशन ने तो हजारों साल पहले जन्म लिया था। हाँ लॉजिकली वो बालकिशन नहीं, श्री कृष्ण भगवान है हेमंत, तो मुझे उनका आशीर्वाद लाना है, तब तक मैं नीचे नहीं आऊंगा। लेकिन बेटा जब तक तू नीचे नहीं आएगा तू आशीर्वाद कैसे ले पाएगा? नहीं मैं नहीं आऊंगा। एक मिनट पापा, हेमंत भैया आप प्लीज नीचे आ जाइए ना, देखिए कॉलोनी में से कोई आ गया और आपको ऐसे दीवार पे देखा तो। शरण है ना? हाय, हेमंत की जिद पूरी करने का एक टेरिफिक आइडिया है मेरे दिमाग में। वो आसपास तो नहीं है ना, क्योंकि मैं उसके सामने नहीं बता सकती। नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है, हेमंत है।